वहाँ ऊपर पहाड़ है, वहाँ पे आपको चढ़ना है। देखिए वहाँ पे बोलो जय माता की, जय माता की। हमारा आरएफआईडी कार्ड बन चुका है, इससे अगर आप जाओगे तो 2 किलोमीटर आपको ज्यादा पड़ेगा। ये है कटरा सिटी। अभी तक तो हम सिर्फ 10% भी नहीं है, माता के दरबार में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो शॉर्टकट ना अपना है। अर्धकुमारी में आपको बंदर बहुत ज्यादा मिलेंगे, मेरे साथ में कैश कैरी करें। रूम के बाहर आ गए हैं, आरएफआईडी कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि दिल्ली से जो गाड़ी आती है ट्रेन, वो 5:40 को लगभग कटरा आ जाती है। अभी माहौल बहुत ठंडा हो रहा है, फॉग गिर रही है। अभी 6:30 करीबन हो चुके हैं, माहौल बहुत ठंडा है, फॉग गिर रही है, लेकिन मैंने कोई जैकेट वैकेट नहीं पहना है। देखते ऊपर जाके कैसी ठंड रहती है। चलते हैं आरएफआईडी कार्ड बनवाने, वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्या प्रोसेस है, आपको पूरी जानकारी देता हूँ। अभी हम आ गए हैं चौक पर, जो कटरा का मेन मार्केट है वहाँ तक आ चुके हैं। आपको मैं अभी यहाँ से पहाड़ों के दर्शन करवाता हूँ, जहाँ पे माता रानी विराजमान है। चलिए करते हैं दर्शन। आ चुके हैं कटरा मेन मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो है ये मेन मार्केट है, और वहाँ ऊपर पहाड़ है, वहाँ पे आपको चढ़ना है। पहले हम जाएंगे आरएफआईडी कार्ड बनवाने, वहाँ ऊपर पहाड़ है, वहाँ पे आपको चढ़ना है। देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन फॉग में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ ऊपर ही जाके आपको पता चलेगा कैसा मौसम है, कैसा ठंडा है। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। अभी पहले तो जाना है आरएफआईडी कार्ड बनवाने, क्योंकि उसके बिना आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। सीआरपीएफ वाले आपको, तब तक आरएफआईडी कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आपको निकाल देंगे यात्रा से। पहले यात्रा करने के लिए आपको आरएफआईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि पूरा फ्री है। आप चाहे तो आप ऑनलाइन पे भी आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आके भी लगा सकते हैं। ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, ये चौक के अंदर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपके यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आके आपको आरएफआईडी कार्ड बनवाना है। देखिए मेरे पीछे ये जस्ट आरएफआईडी कार्ड के ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्रोवाइडेड है ऊपर यात्रा के अंदर, जैसे कि कैमरा, लैपटॉप, आईपैड आपको वहाँ जमा करवाना पड़ेगा मंदिर के बाहर ही। ये आरएफआईडी काउंटर है। बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये हमारा आरएफआईडी कार्ड बन चुका है, विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ आके लोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ, अगर जब भीड़ होगी, रश वाला जब टाइम होगा, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 4 से 5 घंटे भी वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। ये कार्ड आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कटरा काउंटर पे भी मिल सकता है, जो चौक पर है। रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, बस स्टैंड भी जा सकते हैं, कटरा चौक पर भी आ सकते हैं इस कार्ड को लेने के लिए। आई थिंक 5 मिनट्स में आपका इसका नंबर आ जाएगा, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन करके आएँ, क्योंकि जब भीड़ वाला टाइम होगा तब आपको मिलने में मुश्किल होगा। 4 से 5 घंटे का भी वेटिंग टाइम होता है कई बार, जब भीड़ नहीं है तो 5 मिनट में भी मिल जाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम बाणगंगा पर, यहाँ से हम हमारी यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये द्वार है, यहाँ से आप यात्रा शुरू करेंगे, ये द्वार से यात्रा शुरू। आगे इसी के चेकपॉइंट है, चेकपॉइंट पे आपको ये आरएफआईडी कार्ड दिखाना है, फिर आगे आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा यहाँ से करीबन 13-14 किलोमीटर के आसपास बोलते हैं, देखते हैं फिर ऊपर जाके कितने किलोमीटर की यात्रा है। करीबन एवरेज टाइम 5 से 6 घंटे लगते हैं यात्रा को शुरू होने में, ख़त्म होने में, कंप्लीट होने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ऊपर जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितने बजे तक हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन से सीधा 2 किलोमीटर है, आप पैदल भी आ सकते हैं और टैक्सी से भी आ सकते हैं। आप रिक्शे से आएंगे या कैब से आएंगे तो 250 या 260 रुपये करीबन लेगा, आपको यहाँ सीधा छोड़ देगा, यहाँ से आपकी यात्रा आरम्भ होगी। जय माता दी। तो हो चुकी है हमारी यात्रा, अभी आप आ गए हैं गुलशन कुमार के लंगर में। ये देखिए पीछे गुलशन कुमार का लंगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलेगा। आइए यहाँ पे लंगर का मजा लीजिए। आप भी मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाला जो है ये नया मार्केट, ताराकुटी मार्ग, ये नया मार्ग है, और ये जो पीछे जा रहा है ये पुराना मार्ग है। इससे भी जा सकते हैं, इससे अगर आप जाओगे तो 2 किलोमीटर आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा आराम वाला रास्ता है। जो पुराना मार्ग है वहाँ पे आपको खच्चर घोड़े सब मिलेंगे, थोड़ी सी चढ़ाई हार्ड है। अगर पीछे देखते तो ये गुलशन कुमार का लंगर यहीं लगता है, और वहाँ से आ रही है बाणगंगा।
श्री माता वैष्णो की रक्षा के लिए उनके साथ हनुमान जी भी थे। इसी बीच बजरंग बली को प्यास लग गई और उन्होंने माता रानी से पानी देने का आग्रह किया। तब माता वैष्णो ने धनुष बाण से पहाड़ पर जलधारा निकाली जिसमें उन्होंने अपने बाल भी धोए। बाद में इसी जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। मैं अभी फिलहाल पुराने वाले मार्ग से जा रहा हूँ, थोड़ा 2 किलोमीटर छोटा है लेकिन टाइम की बचत के हिसाब से वो थोड़ा सही है। पीछे देख सकते हैं आप ये काउंटर, यहाँ पे आपको खच्चर, पालकी, ऊनी, बच्चों के लिए गाड़ी सब यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ बुक करना पड़ेगा, यहाँ से बुक करने के बाद में स्लिप मिलेगी, उसके आगे ही आपको यहाँ से अलाउड होगा। जो भी आप खच्चर पालकी जो भी लेते हैं वो यहाँ से अलाउड होगा। खच्चर घोड़े जो यहाँ से बैठ के आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खच्चर यूज़ ना करें, आप पैदल जाएँ, बहुत मज़ा है पैदल जाने में। देख सकते हैं खच्चर, ये घोड़े आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, यहाँ से ही आपको जब आपको स्लिप मिलेगी बुक करने के बाद, उसके बाद में ये अलाउट होंगे आपके लिए। जो भी आपको अगर पालकी खच्चर बच्चों के लिए गाड़ी लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों तो अब आ गए हम हमारे प्रथम दर्शन पर, चरण पादुका के दर्शन, श्री चरण पादुका के दर्शन में आ गए हैं मंदिर के सामने। पौराणिक कथा के अनुसार भैरवनाथ पीछा कर रहा है या नहीं, इस बात को जानने के लिए माता आदि शक्ति ने पीछे मुड़कर देखा था। जहां माता खड़ी हुई थी वहां उनके चरणों के निशान बन गए थे। आज वह स्थान चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां आज भी माँ के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। तो मैं आपको एक सीन बताऊंगा, ये देखिए जो चरण पादुका का मंदिर है वहाँ से सीन कैसा दिखता है। ये है कटरा सिटी, अभी तक तो हम सिर्फ 10% भी नहीं आए, बहुत कुछ ऊपर जाना बाकी है, लेकिन मैं आपको ऐसे सीन दिखाते रहूँगा। ये चरण पादुका के मंदिर है, उसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये आपको सीन दिखेगा, पहाड़ों के बीच में से रास्ता जा रहा है, उधर आपको बादल वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जय माता दी। देखिए 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको वॉशरूम मिल जाएंगे, पीछे ही मेरे वॉशरूम है। दोस्तों यात्रा के दौरान थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो चलने का रास्ता है वो गंदा हो चुका है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बिकॉज जो खच्चर घोड़े जो यहाँ से जाते हैं वो वेस्टेज अपना जो भी नेचर कॉल से वो यहाँ पे रास्ते में कर देते हैं, उस वजह से थोड़ा सा गंदगी हो रही है, लेकिन कोई ना, माता जी के दरबार में जाने का मजा अलग है। जो भी कठिनाई आएगी, जैसा भी मार्ग होगा, जाना पड़ेगा। जय माता दी। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, वो आपके लिए इस यात्रा में बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान से सुने। अगर आप लोगों को इस यात्रा के दौरान किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आप नज़दीकी मेडिकल में जो क्लिनिक है मंदिर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, आपको हर 2-5 किलोमीटर में ये मिल जाएगा। जैसे आप यात्रा चालू करोगे तो चेक पोस्ट के पास जो बाणगंगा आएगी वहाँ पे आपको पहला क्लिनिक मिलेगा, दूसरा आपको अर्धकुमारी में चरण पादुका के मंदिर के पास, हेमकोटी, ताराकोटी मार्ग, सांची छत, भैरवजी का भवन, माता जी का भवन, आपको यहाँ पे सब जगह क्लिनिक मंदिर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको जैसे भी कोई भी अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप मेडिकल में जाके संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह का पैनिक ना हो, आराम से जाके अपना अपना इलाज करवा सकते हैं अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो यात्रा को आनंद लीजिए, किसी भी प्रकार से आप पैनिक ना हो, किसी भी प्रकार का डर अपने मन में ना रखें, चलते रहे, धीरे 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 आप माता के भवन पहुंच जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है इस समय, लेकिन खैर कोई ना, बारिश है इसका भी एक अलग मज़ा है। रेनकोट वगैरह मैंने लिया नहीं है, चलते आगे मंदिर में दर्शन करते हैं। जय माता दी। पूरे रास्ते में मार्केट मिल जाएगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जो चाहे जो आप खा सकते हो, लेकिन मेरे सजेशन करूँगा कि जितना हो उतना लाइट खाना खाएं। अगर आप जितना लाइट खाएंगे तो यात्रा में आपको कोई तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी यात्रा बहुत अच्छे से निकलेगी।
बाकी आप खाना पीना आप नीचे जाके कर सकते हैं कटरा में, लेकिन इस यात्रा के दौरान आपको मार्केट मिल जाएगा, खाने पीने की होटलें, चाय है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप नीचे से जब यात्रा शुरू करें तो गुलकंडी लेके जरूर चलें, उससे आपको एनर्जी जरूर मिलेगी। समय समय पे गुलकंडी, नींबू पानी और पानी पीते रहें, इस बात का ध्यान रखें, छोटे बच्चे हैं तो उनको पानी पिलाते रहें, और इस यात्रा के दौरान आप चलते रहें तो पानी ज़रूर पिए। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं मार्केट, मार्केट देख सकते हैं आप, पूरा मार्केट है, आपको ऊपर तक मिलेगा। अभी आप अर्धु कुमार की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं अर्धु कुमार में कितना टाइम लगता है। चलो चलते हैं, जय माता दी, माता के दरबार में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, आप बस चलते रहें, माता रानी आपका ध्यान रखेगी, आपको हिम्मत देगी। आप उन जब जब आप उनका नाम लेंगे आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी, अलग शक्ति आएगी। तो ये पहाड़, ये रास्ते कुछ भी नहीं है, चलते रहे बस, जय माता दी। दोस्तों आप मेरे नीचे देख सकते हैं, पूरा पहाड़ों के अंदर फॉग है, चारों तरफ आपको पहाड़ नजर ही नहीं आएंगे, सिर्फ आपको बादल नजर आएंगे। मैं 20% तक आ चुका हूँ यहाँ ऊपर, अभी आगे 80% बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ जाएगा आपको ऊपर आओगे तो, बहुत मज़ा आ जाएगा। खाने पीने की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भाई का मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया, जय माता दी, जय माता। दोस्तों 150-200 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद में आपको ऐसे छोटा सा कैफ़े मिलेगा, वहाँ पे आके आप चाय, नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बैठ के आराम भी कर सकते हैं। चाय का कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 10-20 रुपये के अंदर आपको आइटम मिल जाएंगे, छोटा कैफे है, बैठने की भी बहुत सुविधा है, यात्री से यहाँ पे आके कम से कम 10-15 मिनट का विराम करते हैं। दोस्तों थोड़ा रास्ते से चलने के बाद मैं थोड़ा सीढ़ियों से चढ़ के जा रहा हूँ, 50-100 सीढ़ियाँ हैं जो शॉर्टकट आपको लगभग 300-400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो प्लीज़ सीढ़ियाँ ना चढ़ें, रास्ते से जाएं, भले ही रास्ता बढ़ाओ, टाइम लगे, लेकिन किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सीढ़ियों से ना चले, जो भी हार्ट पेशेंट या जिनको भी हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो शॉर्टकट ना अपनाएं, चलते रहिए, जय माता दी। दोस्तों 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस मैंने शॉर्टकट में कवर किया है, 50 से 60 सीढ़ियाँ हैं जो मैं चढ़ के आया हूँ। लेकिन आप लोग ने ये, अगर किसी को भी अगर हार्ट की बीमारी तो प्लीज़ ये ट्राई ना करें, आप अपने रास्ते से चलें। अभी 2.5 किलोमीटर करीबन मैं आ चुका हूँ, आगे अभी भी 8 से 9 किलोमीटर बाकी है, चलते रहें, यात्रा करते रहें, जय माता का नाम लेते रहें, मंदिर तक आप समय पर पहुँच जाएंगे, जय माता दी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अर्ध कुमारी के पास, वेलकम टू अर्ध कुमारी सेक्टर, यहाँ से अभी थोड़ा है अर्ध कुमारी, चलते हैं, आपको दिखाता हूँ इस तरह की आपको सीढ़ियाँ मिल जाएगी नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए 526 सीढ़ियाँ हैं। जय माता दी। क्या है? दोस्तों मैं यात्रा के दौरान आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, ये डंडा जरूर लें, यह आपको यात्रा के दौरान कदम कदम पे आपकी मदद करेगा, आपका साथी बनकर आपको यात्रा और मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। ये डंडा आप नीचे से ले सकते हैं, 20 रुपये में आपको ये डंडा मिलेगा,
वापसी के वक्त जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो 10 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो 10 रुपये में ये डंडा पूरा नहीं है और आपके यात्रा का ये साथी रहेगा। तो प्लीज़ मेरा सजेशन है, ये डंडा जरूर लेके चलें, बहुत अहम रोल होने वाला है इस डंडे का आपकी यात्रा में। जय माता दी। अब अर्धकुमारी से कोई 500 या 700 मीटर दूर है हम, उससे दूर आपको ये भोजनशाला मिलेगा, इंद्र प्रसाद भोजनशाला। तो यहाँ पर आप आकर अपना ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी आप जिस भी समय पर आते हैं लंच वगैरह यहाँ पे आके कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, चाय मात्र 7 रुपये, सांभर राइस 35 या राजमा राइस 45, 45, 50 रुपये, मतलब आपको 50-60 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा खाना, सात्विक खाना मिल जाएगा। आप यहाँ आके लंच कर सकते हैं अपना। अर्धकुमारी से 700 किलोमीटर या 800 मीटर की डिस्टेंस पर ये इंद्र प्रसाद भोजनालय है, वहाँ पर आके आप अपना लंच कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, मैं फिलहाल यहाँ नहीं करूँगा, मैं आगे अर्धकुमारी में अपना ब्रेक लूँगा और वहाँ कुछ नाश्ता चाय जो भी होगा मैं वहाँ पर ही करूँगा। चलते हैं आगे, जय माता दी। दोस्तों अर्धकुमारी के पास जब आप आओगे तो आपको यह 3 रास्ते मिलेंगे। एक जाएगा अर्धकुमारी की तरफ, इसको बोलते हैं हाथी मट्टा मार्ग। एक जाएगा भवन की तरफ, इसको बोलते हैं हिंदकोटी मार्ग। दोनों के बीच में आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। अगर आपको अर्धकुमारी में अगर आपको दर्शन करना है तो इस मार्ग पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आप अर्धकुमारी आप स्लिप कटवा के आप वापसी में आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे का वेटिंग पीरियड है। तो अभी फिलहाल मैं स्लिप के लिए इस मार्ग पर जाऊँगा। जय माता दी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी, हमने सुबह 8 बजे यात्रा प्रारंभ की थी, शुरू की थी। अभी मैं 4 घंटे के बाद, अभी 12 बजे है, 4 घंटे के बाद मैं अर्धकुमारी आया हूं। अर्धकुमारी 4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें हमारा आधी यात्रा ख़त्म हो गई है, आगे चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अर्धकुमारी की स्लिप लेने के लिए जाऊँगा, दर्शन करने के लिए। देखते हैं उसका कितना वेटिंग टाइम भी मिलता है, फिर आगे की यात्रा, फिर स्लिप लेने के बाद करते हैं। अर्धकुमारी में आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत शैतान बंदर है, तो प्लीज़ इनसे बच के रहिए। चलते हैं हम ऊपर और काउंटर से पहले सील लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। तब तक जय माता दी। दोस्तों श्री माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले आप अपने साथ में कैश कैरी करें, बिकॉज इस पूरी यात्रा में आपको 12 किलोमीटर तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत कम मिलेंगे और आपको बैंक ATM आपको अर्धकुमारी के बाद ही मिलेगा। तो अर्धकुमारी में आके आप ATM यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ATM नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस पूरी यात्रा में आप अपने साथ कैश कैरी करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत कम है, तो उस भरोसे में ना रहें और कैश कैरी करें। आगे चलते हैं अपन। जय माता दी। दोस्तों अभी हम अर्धकुमारी मंदिर पहुँच चुके हैं, इस मंदिर के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा। यहाँ से माँ का भवन 6.5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा आधा रास्ता, आधा यात्रा कम्प्लीट हो चुकी है। आगे बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब वैष्णव माँ एक छोटी कन्या के रूप में थी तो वे अर्धकुमारी मंदिर में ही विराजमान थी और बाद में त्रिकुटा पर्वत की तरफ गायब हो गई। मान्यता के अनुसार गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार माँ वैष्णव भैरवनाथ के चलते इसी गुफा में करीब 9 महीने तक छिपी रही थी, इसी वजह से इसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं स्लिप काउंटर पे आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ा लाइन में खड़ा हूँगा, उसके बाद देखता हूँ कितना टाइम लगता है और कब मेरा दर्शन करने का टाइम मिलता है मुझे। चलते हैं अंदर, स्लिप कटवाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों मेरी अर्धकुमारी के दर्शन की मेरी स्लिप मैंने कटवा ली है, 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया। लाइन थी लंबी लेकिन 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया, बहुत ही फास्ट मूविंग है। दर्शन का समय जो मुझे दिया गया है वो कल दिया है, तो अभी मैं फिलहाल भवन की तरफ जाऊँगा, जो 6.5 किलोमीटर मेरी यात्रा बाकी है वो पूरी करूँगा, माता रानी के दर्शन करूँगा। यहाँ तक कि मेरी यात्रा में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आगे की यात्रा में आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।